तो प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं एक्सरसाइज 13.4 के बारे में। एक्सरसाइज में प्यारे बच्चों, बस हमें एक बात ध्यान रखने की, इसमें भी जितने भी हमारे क्वेश्चन होंगे सब दो या तीन फिगर से मिलकर बनेंगे। यानी मतलब कि जैसे आप लोग कहते भैया आपको कौन दे दिया, आपको सर्कुलर सिलेंडर दे दिया, दोनों को मिलाकर कुछ फिगर बनेगा, तो उसको हम लोग फिगर के थ्रू समझे। यानी प्यारे बच्चों, बस हमें एक बात ध्यान रखें, भैया हमें फिगर थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आप लोग बहुत ध्यान से सोचिएगा, ठीक है। देखिए, जैसा हमारा पहला क्वेश्चन दिया कि अ ड्रिंकिंग ग्लास इज द शेप ऑफ द फ्रस्टम आप कौन आप हाइट 14 सेंटीमीटर। मतलब कि प्यारे बच्चे, इसमें जो हम लोग गिलास में पानी पीते हैं उसके बारे में बता रहा है। और क्या दिया, द डायमीटर ऑफ द टू सर्कुलर एंड आर 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। तो हमें पूछ रहा है प्यारे बच्चे, देखिए क्या कि भैया आपको देख, जिससे हम गिलास में पानी पीते हैं कुछ इस टेढ़े टाइप का रहता है कि नहीं। यहाँ पर भैया एक सर्कुलर टाइप का होता है, यहाँ तक का भी सर्कुलर टाइप का, तो जिसको कि हम बेसिकली फ्रस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रस्टम कहते हैं, याद रख लीजिएगा। जैसे एक तरह से मान से बाल्टी शेप का, ठीक है, बाल्टी है, तो इसमें दो आपके रेडियस होंगे कि नहीं, बिल्कुल होंगे। यहाँ पर भैया आपका छोटा रेडियस 2 सेंटीमीटर होगा, बड़ा वाला रेडियस प्यारे बच्चों हमें 4 सेंटीमीटर दिया है, हाइट प्यारे बच्चों बेसिकली टोटल कितनी दे दी है 14 सेंटीमीटर दिया, जो कि बेसिकली हमारा कोण की है। दो चीज़ बने कि देखिए, एक कोण को लग रहा है कि भैया हमारा मान कोण है, इस तरीके का हमारा भैया कोण था, कोण को भैया हम ऊपर से काट दिए, जब हम कोण को ऊपर से काट देंगे तो हमारा इस तरीके का कुछ फिगर बन जाएगा कि नहीं, बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है। मान लेते भैया गिलास हम लोग देखते हैं, गिलास के शेप का है, तो प्यारे बच्चे इसमें क्या पूछ रहा है, कैपेसिटी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बच्चों, कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब क्या आता है कि बेसिकली हमें वॉल्यूम भैया पूछ रहा है कि नहीं, बिल्कुल पूछा। देखिए बहुत आसान है, कैसे निकालेंगे, तो हम लोग लिखते हैं सबसे पहला बात कि भैया वॉल्यूम हमारा क्या होगा, तो कैपेसिटी लिखते हैं भैया वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम इस शेप का हम निकालते हैं क्या होगा। हम लोग जानते हैं भैया, एक सबसे पहला आपका एक कोण है, तो कोण का हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों कि भैया 2 रेडियस है। देखते हैं हम लोग जब भी हमें इस तरह निकालने क्या लिखेंगे, 1/3 पाई एच, मतलब कि ये दोनों चीज़ें तो हमारे सेम ही रहेंगी भैया, पाई सेम ही, हाइट सेम है, लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर भैया एक तो भैया पहले हम लोग इसका निकालेंगे कि नहीं, बिल्कुल निकालें, तो इसका हमारा हो जाएगा r² + r1, मतलब कि भैया बड़े वाले का स्क्वायर प्लस ये छोटा वाला भैया है r2 का भैया आपका स्क्वायर प्लस भैया इन दोनों का भैया मल्टीप्लाई करके r1 × r2 लिख देंगे, तो हम लोग बस इसमें वैल्यू रख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। जब भी आपका इसमें निकालना रहेगा तो इस फार्मूले का आप लोग यूज़ करेंगे, आप लोग याद कर लीजिएगा इसका। यह फार्मूला हमें याद रखना है भैया कि जब भी हमें फ्रस्टम या हमें ग्लास का अगर निकालना हो तो इस फार्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे। अब कैसे आया उसे हम बाद में देखेंगे, बस इसमें हम वैल्यू रखते हैं 1/3 पाई की वैल्यू पता ही है, हाइट बेसिकली 14 सेंटीमीटर दिया, r1 कितना यानी 4 का स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 4 × 2। यहाँ से प्यारे बच्चों वॉल्यूम या कैपेसिटी आपकी आ जाएगी। आसान है कि नहीं, बिल्कुल आसान, बस यही फार्मूला हमें ध्यान में रखना है। अब प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या दिया सेकेंड वाले में कि द स्लैंट हाइट आप फ्रस्टम आप कौन इज 4 सेंटीमीटर। अब भैया यहाँ पे हमें स्लैंट हाइट दे दी है, और क्या दिया, द पेरीमीटर आप इट सर्कुलर, यहाँ पर बेसिकली प्यारे बच्चों हमें पेरीमीटर दे दिया, तो मैं पूछ रहा प्यारे बच्चों फाइंड द कर्व सर्फेस एरिया फ्रस्टम, भैया हमें फ्रस्टम का कर्व सर्फेस एरिया पता करना है, तो बहुत आसान है। देखिए फ्रस्टम बेसिकली हमारे इसी शेप का होगा, नहीं बिल्कुल होगा, तो बस प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए सबसे पहले भैया आपको क्या दे दिया है, आपको बताइए, आपको पेरीमीटर हमें बेसिकली दे दिया है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला बताइए क्या होता है। पहले वाले का हम लोग फिगर का निकालते हैं, भैया 2 फिगर हमारा होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, तो भैया हम लोग छोटे वाले का मान लेते निकालते हैं, क्या होता है बताइए, 2πr की वैल्यू r1, मतलब जो छोटा वाला पहले उसको हम लोग इसको r1 कंसीडर कर लेते हैं, इसको हम लोग बेसिकली r2 कंसीडर कर लेते हैं, तो छोटे वाला क्या है मान लेते भैया 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से r1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/2π आ जाएगी। उसी प्रकार का है दूसरा जो हमारा छोटू है सॉरी बड़ा वाला, उसका क्या होगा, 2πr² हमारा कितना दिया है, हमारा बेसिकली 18 सेंटीमीटर दिया, तो r2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18/2π हो जाएगा। बस प्यारे बच्चों यहाँ से मेरे रेडियस पता ही चल गया कि भैया, और हमें हाइट तो बेसिकली दी ही है, नहीं हमें स्लैंट हाइट यल दिया, तो यल की तो हमें ज़रूरत होती है, क्यों, हम लोग जानते हैं कि हम लोग जब भी निकालते हैं क्या नाम से, हम लोग कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, πr² होता है, लेकिन प्यारे बच्चों फ्रस्टम के केस में थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है उसको हम लोग देखते हैं कि भैया यहाँ से देखिए, जब भी हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा बताइए आप लोग, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, ठीक है, मतलब फ्रस्टम यफ मैं लिख दे रहा हूँ, तो क्या होगा बताइए आप लोग, πr₁ + r₂ × l, मतलब कि भैया दोनों रेडियस जो हमारा उसको जोड़कर हम लोग यल से मल्टीप्लाई करते, याद रख लीजिएगा आप लोग फ्रस्टम के लिए, ठीक, क्या होगा, πr₁ + r₂
इंटू एल, ठीक है। यही फार्मूला आप लोग याद रखिए, बस पाई तो हमें पता ही, आर वन कितना प्यार बच्चा आया था हमारा 6/2 पाई आया था, आर टू क्या 18/2 पाई आया था, और हमारे पास लेंथ कितना, सॉरी स्लैंट हाइट कितनी दी है, स्लैंट हाइट बेसिकली आप लोगों को 4 सेंटीमीटर दी है। तो यहाँ से भैया आप लोग कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा, या आप लोगों के लिए होमवर्क है बेसिकली थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट, ठीक है।